वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अधीक्षण यंत्री और चीफ इंजीनियर की वाहनों को कुर कर लिया है। दरअसल ठेकेदार नारायण सिंह के पैसों का भुगतान विभाग नहीं कर रहा था, जिसके चलते ठेकेदार ने कोर्ट तक मामला पहुंचाया और डिग्री पारित हो गई। कोर्ट ने आदेश दिया था कि ठेकेदार के पैसों का भुगतान किया जाए, लेकिन लोक निर्माण विभाग पैसे का भुगतान करने की वजह है हाई कोर्ट पहुंच गया, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिल पाया। स्टे ना मिलने के चलते जिला न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के वाहनों को राजसात कर लिया है। बताया जाता है कि 50 लाख रुपए का भुगतान ठेकेदार का बाकी है, जिसकी भरपाई के लिए उक्त गाड़ियों को राजसात किया गया है। आइए सुनाते हैं ठेकेदार और ठेकेदार के पक्ष से वकीलों का क्या कहना है। कॉन्ट्रैक्टर, मेरा काम 2009 में हनुमाना बहरी मार्ग का पूरा हुआ था, जिसमें 1,20,000 रुपए का भुगतान था। भुगतान मेरा 50 लाख किया गया, 50 लाख रुपए मेरा मेजरमेंट काट दिया गया। अधिकारियों की अनुचित मांग मैंने नहीं पूरा किया तो मेरा मेजरमेंट काट दिया। मैं उसके बाद एनसी ने मेरे फेवर में ऑर्डर किया कि इनके सवियर एसडीओई के ऊपर मिसलिनियस डाल के भुगतान किया जाए। इसके बावजूद भी विभाग ने भुगतान नहीं किया, मुझे मजबूरन न्यायालय आना पड़ा। न्यायालय ने 12-13 साल मुकदमा चलने के बाद न्यायालय ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया और डिग्री पारित की 8/4/21 को कि 1,08,03,311 रुपये इनका भुगतान किया जाए। तो इसके बावजूद भी विभाग ने भुगतान नहीं किया और इसकी अपील उन्होंने हाई कोर्ट में लगाई, तो हाई कोर्ट में इनकी अपील पेंडिंग थी। हमने भुगतान के लिए कहा तो आजकल करते रहे, मैं कल करता हूँ, परसों करता हूँ। मैंने माननीय मंत्री जी को भी आवेदन दिया, माननीय मंत्री जी ने PS को NC को ऑर्डर किया कि इनका भुगतान किया जाए। और वहाँ से NC का लेटर चीफ इंजीनियर ऑफिस में आया और यहाँ SE लेवल में दबा दिया गया। अब भुगतान मेरा नहीं किया गया। जब मेरा भुगतान नहीं किया गया तो मैंने अपने रीवा न्यायालय में इजराय लगाया और इजराय में उसका कुर्की वारंट जारी कर दिया। पहले तलवाना 29/8 को जारी किया और उसके बावजूद भी भुगतान नहीं किया तो 5/9 को कुर्की वारंट जारी कर दिया। अब कुर्की वारंट जारी करने के बावजूद भी ये भुगतान जब नहीं है तो आज कुर्की के नाजिर जो यहाँ के कोर्ट के आदेश के तहत इन चीफ इंजीनियर की SE की और ई की गाड़ी कुर्क कर लिए। अब ये है कि अगर मेरा भुगतान कर दिया जाए तो ये गाड़ी न्यायालय छोड़ेगा, और अगर इतने में हमारा भुगतान नहीं होता तो अचल संपत्ति जो न्यायालय के आदेश के तहत होगा। इन्होंने 3 बार आवेदन दिया स्टे के लिए माननीय उच्च न्यायालय में, इनका स्टे आवेदन खारिज हो गया, नहीं हुआ। न्यायालय के अगेंस्ट जो नाजिर गए थे गाड़ी कुर्क करने, उनको धमकी दिया, गाली गलौज किया, तो नाजिर ने अभी माननीय जज के सामने उसको पेश किया कि साहब ऐसे ऐसे बदतमीजी की गई मेरे साथ। नाजिर ने बताया हमको कार्यपालन यंत्री KK गर्ग ने चीफ इंजीनियर ऑफिस के सामने कि ये चीफ इंजीनियर की गाड़ी है और अधीक्षण यंत्री कार्यपालन यंत्री की। मेरा भुगतान 1,08,03,111 रुपये, ये जो न्यायालय ने डिग्री पारित की है।